हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग आज इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह इस इकाई को पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम अपने परिवेश में आसपास जहाँ भी रहते हैं वहाँ हमने देखा है बहुत से वस्तुओं को। कुछ वस्तुएं सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं, कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं। हम जानते हैं कि जो वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं हैं उनको हम कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रकृति द्वारा हमको उपहार मिला है, प्रकृति ने जिसको दिया है, वह प्राकृतिक वस्तुएं हैं। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। एक ठोस अवस्था है, दूसरा गैसीय अवस्था है, तीसरा द्रव अवस्था। हम पहले ठोस पदार्थ के बारे में जानें। ठोस अवस्था क्या होता है? हम ठोस वस्तु को जब भी देखते हैं, ठोस पदार्थ को जब भी देखते हैं, तो देखते हैं कि ठोस पदार्थों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि द्रव पदार्थों को हमने देखा होगा कि द्रव पदार्थों के आकार परिवर्तन होता है, गैस पदार्थों का तो आकार कोई निश्चित है ही नहीं। वो किस आकार का है, ऐसा क्यों होता है, हम आज जाने कि ऐसा होता क्यों है कि कुछ पदार्थों का आकार निश्चित है, कुछ का नहीं है, कुछ का आकार बदलता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो ठोस पदार्थ हैं उनके अणुओं के बीच में स्थान नहीं होता है, बहुत न के बराबर स्थान होता है। और जब अणुओं के बीच में स्थान कम होता है तो अणु स्थिर रहते हैं, आगे पीछे नहीं खिसक सकते, एक निश्चित स्थान पे स्थिर रहते हैं, जिस कारण उनका आकार जो होता है वह निश्चित होता है और उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल रहता है। आकर्षण बल होता है तो उनका एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, जो आगे पीछे होने से रोकते हैं, जिस कारण उनका आकार निश्चित होता है। हम ये भी जानते हैं कि ठोस पदार्थों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब बात होती है द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ के अणु जो है वह ठोस पदार्थ की तुलना में, वह जो है ठोस पदार्थ की तुलना में थोड़ा उनके अणु दूर दूर होते हैं, उनके अणु दूर दूर होते हैं, जिस कारण जो द्रव पदार्थ है उसका आकार तो बदल जाता है। वो हम जिस बर्तन में या जहाँ भी रखते हैं वह उसके आकार का हो जाता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार जो गैसीय पदार्थ है, गैस के जो पदार्थ हैं वो उनका न तो आकार निश्चित होता है, न तो उनका आयतन निश्चित होता है, और उनके अणुओं के बीच में जो है आकर्षण पर नगण्य होता है, न के बराबर होता है, जिस कारण गैसीय पदार्थ के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, हमने आज ठोस और द्रव और गैस के बारे में जाना, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना, अपने परिवेश में पाए जाने वाले प्राकृतिक वस्तुओं कृत्रिम वस्तुओं के बारे में जाना। आगे के टॉपिक पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। जो बच्चे पहले से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं सो गुड, वो अपना वीडियो देख के और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जहाँ दिक्कत हो ठोस द्रव गैस के बारे में जाने, अगर कोई दिक्कत होता तो व्हाट्सएप कर लें। नए बच्चे जो हैं उनको इसको लिख के PDF के माध्यम से भेजा भी जाएगा और वीडियो को देख के इकाई 2 को समझें अच्छे से। ठीक, ओके।